नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है मुजफ्फरनगर में एक रैली करके, और उस रैली में किसानों की राजनीति को धार देने में अगवा कमांडो ओपी सिंह मेरे साथ हैं, जो कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और उन्हीं से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं उनके कार्यालय में। बात करते हैं कमांडो साहब, मुझे ये बताइए कि ये देश में आज किसान सड़क पर है और एक तरह से संदेश देने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। जी बिल्कुल, देखिए अब सरकार का क्या है कि सरकार को समझाने की हमने कोशिश की थी, 8 महीना पहले भी समझाने की कोशिश की, बड़े प्यार से समझाया था, लेकिन सरकार ने उस चीज को नोटिस नहीं किया। इनको दर्द हो क्योंकि मोटे मोटे पेट के हैं, एसीओ में बैठे रहते हैं, इनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इनको गेहूं के खेत में गुड़ाई में एक खुदाई में इनके कंधों पर इनके सिर पर एक एक कुंटल वजन रखा जाए नेताओं के, और फिर इनके पीछे सोटा लगाया जाए, इनसे बोला जाए कि ऐसे मेहनत करके अनाज कमाया जाता है, तब तो इन्हें अकल आए। इन्हें बैठा बैठाया मिल जाता है, दलालों की राजनीति चलती है, दलालों को अडानी अंबानी को ये अपना बेचने का पूरा प्रावधान हमारी फसलों का कर रखा है, सस्ते में खरीदेंगे, दलाल बाद में महंगे में बेचेंगे। सेवों की स्थिति आपने देखी ली होगी, जो सुनी होगी आपने, हिमाचल में 16 रुपये रेट गिरा दिए। क्यों गिरा दिए? अब सस्ते कर देगा और खरीद लेगा सीजन में आते, और उसके बाद उसको कई गुणों में बेचेगा। ये राजनीति चल रही है इनकी। लेकिन किसान भी तो धमकाने की राजनीति कर रहा है। कभी आपने देखा कि किस तरह से वहां पर 26 जनवरी पे जो वाकया हुआ, और जिस तरह से बार बार राकेश टिकैत ये कहते हैं कि लखनऊ जाएंगे, वहां की सड़कें जाम करेंगे, और कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने पूरे मंच से वहां पर जो हूटिंग हुई उसको लेकर सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं अब किसान भी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं? हाँ, नहीं, राजनीति का बिल्कुल हिस्सा नहीं है इसमें, ये गलत बात है कि राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। वो लोग जो वहां पंचायत में थे, आपने देखा होगा वो 50 लोग थे। बीजेपी का षड्यंत्र होता है हर जगह पे, बीजेपी हर जगह षड्यंत्र इस तरह का कुछ ना कुछ करती है जिससे बिखराव हो। करनाल में क्या किया उन्होंने? करनाल में क्लियर आदेश दिए, जिस एसडीएम से व्यवस्था कानून में काले कानून में ये रखा कि एसडीएम उसका न्याय करेगा किसानों का, और वही एसडीएम उनके सिर फोड़वाने का आदेश दे रहा है। तो बीजेपी कहने की पूरी कोशिश करती है, इस बार बीजेपी चल नहीं पाई। 20 से 25 लाख किसान बीजेपी वाले उम्मीद भी नहीं कर सकते, सरकार उम्मीद नहीं कर सकती। इन्होंने सोचा 10-20 हजार किसान आएंगे, पूरे देश से किसान 20 से 25 लाख किसान आए थे वहां पर, तो इनकी नहीं चल पाई। बड़े शांतिप्रिय तरीके से सबने वहां पे बात रखी थी और आगे की दिशा तय की थी। नहीं, लेकिन सवाल ये है कमांडो साहब कि किसान आंदोलन कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बड़ी फंडिंग हो रही है, किसान का काम तो खेती में काम करने का है, वो कहां आंदोलन करेगा? इतना लंबा समय, इतना पैसा किसान के पास कहां है? कभी तो आप लोग कहते हो फर्जी किसान, कभी कहते हो फंडिंग हो रही है, आप पे और तो कोई काम है नहीं मीडिया वालों पे, है ना, किसानों के खिलाफ ही बोलने के लिए। आप एक चीज बताइए कि आपने देखा होगा भंडारे चल रहे हैं और जगह जगह रोजाना की गाड़ियां आती हैं, सब्जियां गांवों से आती हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो स्वयं सेवी संगठन है, ये बीजेपी वालों की तरह 500-500 रुपए देके कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं करता। ये संगठन किसान अपने गांवों से अपनी जमीन से सारा सामान लेके आता है, तभी आंदोलन चलते हैं, भंडारे चलते हैं। फंडिंग वाली बात बिल्कुल गलत है, इस तरह की फंडिंग करते हैं, कहीं फंडिंग नहीं करते। लेकिन एक सवाल समझ नहीं पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपका समर्थन कर रही है, रालोद आपका समर्थन कर रही है, मंच पे उनको जगह नहीं मिल रही है, कहते हैं कि आपकी रैली में किसानों की भीड़ नहीं थी, ये तो राजनीतिक दलों की भीड़ थी। आपने देखा राजनीतिक व्यक्ति एक भी नहीं था उस पर, राजनीतिक मंच पर राजनीतिक व्यक्ति एक भी नहीं था। हाँ, रही बात समर्थन की, वो भी तो किसान ही है, वो तो किसान है। ये किसान मजदूर की लड़ाई है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। समाजवादी हो, लोकदल हो, भाई जिसका जमीन जग गया है वो समर्थन कर रहा है। बीजेपी वालों का जमीन नहीं जगा है, वो अंधभक्त हैं और वो समर्थन नहीं करते, वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। समाजवादी वाले किसान नहीं है, और जो मजदूर खेती में काम कर रहा है क्या वो मजदूर की लड़ाई नहीं है? किसान खत्म होगा तो मजदूर खत्म होगा, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हमारी फसलें खत्म हो जाएंगी, हमें पूरी, अगर हमारे जो उत्पाद हैं उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, MSP की गारंटी नहीं देंगे। ये MSP थी, MSP रहेगी, MSP है, इसका क्या मतलब है?
आप लिखित में दे दो गारंटी, इससे नीचे अगर माल बिकता है हमारा किसान का, इससे नीचे अगर फसल बिकती है तो अपराधी की श्रेणी में होगा, उस पर धाराएं लगेंगी, ऐसा लिख के दो। लिखने में दिक्कत क्या है, 1975 का गेहूं है, 1975 में खरीद लो, पिछले साल 2800 में खरीदा है और इस बार 1500 का बिक रहा है, उल्टा और जा रहा है, रिवर्स गियर में जा रहा है। तो जब ये मोदी जी इस तरह के वायदे करते हैं, हर साल लाल किले से बोलते हैं उसको, इतने लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए मैं घोषणा करता हूं, फिर वो जाते कहां है? जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री को बोलूंगा 5-7 हजार करोड़ चौधरी कल्याण कोष में डाले जाएंगे। कहां है चौधरी कल्याण कोष, चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष कहां है? 5-7 हजार करोड़, तो अब 5 से शुरू करके 1000 पे ले गए, वो कहां गया? तो ये केवल इनके जुमलेबाजी होती है, मोदी जी झूठ बोलते हैं। और ज्योतिषी कितने बड़े तगड़े हैं, ये देखिए कह रहे हैं कि वो तीसरी लहर आने वाली है, सिर्फ मोदी जी को पता है कि तीसरी लहर आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग को आदेश दे दिए हैं, बीजेपी वालों को आदेश दे दिए हैं मंडल पे कि जाओ स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए। नहीं तो क्या ये कोरोना किसानों के आंदोलन को हटाने के लिए किया जा रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सारा आंदोलन को हटाने के लिए, आंदोलन को प्रभावित करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि आंदोलन में बिखराव हो। ये तो एकजुटता है समस्या, किसानों की समस्या जिसकी दर्द है उसका, जिस वजह से किसान पड़ा हुआ आंदोलन बनना, बीजेपी वाले कहीं कसर नहीं छोड़े आंदोलन को हटाने के। तीसरी लहर का इनको कैसे पता चलेगा, और वो भी बच्चों में आएगी, ये मोदी जी को कैसे पता चलेगा, बताना वहां कैसे? इतने बड़े ज्योतिषी हो गए कि इन्हें पता कब आएगी, और लहर जब आएगी, अभी जब आंदोलन हटाना होगा 2022 के ये चुनाव आने वाले, उससे पहले लहर आएगी, उससे पहले लहर भी नहीं आएगी। नहीं तो लगता है क्या इस रैली से जो मुजफ्फरनगर में इतनी भीड़ जुटी है जिसका आप दावा कर रहे हैं, क्या इससे मोदी सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो हम अपनी बात कहेंगे दमदारी से, इन असर तो इनको इन पर पड़ेगा, और हमें अपने हक लेके रहेंगे, मोदी हो चाहे वो योगी हो या कोई भी हो, हमें अपनी बात को दमदारी से कहना आता है। पहले हमने इनको बड़े प्यार से समझाया था, ये नहीं माने, फिर हमने चिल्ला के समझाया इनको, ये नहीं माने। अब आप कौन सी, क्या आप प्यार से नहीं समझाएंगे, अब क्या आंदोलन की बजाय कोई कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? नहीं देखो चाल पट्टी तो आप करो मत, मीडिया वाले क्या करते हैं बातों को उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ इस बात को कि हमने इनको प्यार से समझा नहीं माने, जोर से समझाया नहीं माने, इनके कान पर चिल्लाए नहीं समझे, अब तो एक ही बजता है थप्पड़ ही बजता है, सीधे सीधे होता नहीं होता कि थप्पड़। तो जब हम शांति से बैठे हुए हैं आप सुनते नहीं, आप डंडे का आदेश देते हो, आप सिर फाड़ने का आदेश देते हो, आप चाहते क्या हो, किस तरह की राजनीति करना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना? अब अल्लाह अकबर राकेश टिकैत जी ने बोल दिया उस पर राजनीति कर दी, भाई अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो उस पर आपके हर महादेव भी बोल रहे हैं, आपके श्रीराम भी बोल रहे हैं उस रिश्ते से, ये भाईचारा है तो मिलकर रहने क्यों नहीं देते? आपको तीन तलाक पे माना है, बनाओ कानून, कौन मना कर रहा है? आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है, लाओ। हल्ला क्यों कर रहे हो, आप समय भेद क्यों डाल रहे हो, फूट क्यों डाल रहे हो, आप कानून लाओ ना। तो यानी कि अब किसान भी हल्ला करने के मूड में है? नहीं, मजबूरी है, हल्ला नहीं करेगा, शांतिप्रिय तरीके से। हल्ले का मतलब क्या है? शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे, आगे की रणनीति तय हो गई है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 18 महापंचायत होंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर 18 महापंचायत होंगी आने वाले समय में। तो ये था क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी हो रहे हैं और किसानों ने भी अब ताल ठोक दी है, रास्ता अब बचा है हल्ला बोल का, क्योंकि राजनीति में वोट के हल्ले से ही किसी चीज का फैसला होता है, और वही अब वोट से चोट करना चाह रहे हैं बीजेपी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए।